एक छोटा सा लिए हैं आलू बॉईल किया हुआ, इसे हम क्रमल करके ले लेते हैं। यहाँ पर आलू को हम भूनेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। यहाँ पर ले लिया हम एक बाउल, बाउल में हम लेंगे मैदा एक कप, एक क्वांटिटी में कम से कम 150 ग्राम होंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक चुटकी भर, और यहाँ पर लेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से आटा में हम मिला लिए हैं मैदे में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आधा कप पानी लिए हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा करके डो लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मसल मसल के इस तरह से आटा का डो एकदम चिकना करना है, और इतना डो लगाने में हमको आधा कप पानी लिए थे, यहाँ पे 2 टेबल स्पून पानी बच गए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा घी लेंगे। अच्छा एक बात और, आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले सकते हैं, हमें नहीं जरूरत पड़ा। गैस ऑन करके ले लिए पैन, पैन में हम लेंगे 2 टेबल स्पून सरसों के तेल। आप चाहे तो घी बटर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 हरा मिर्च को हम काट लिए हैं। अगर बच्चे के लिए हमको बनाना है तो यहाँ पे तीखा कम कर देंगे। तो यहाँ पे ले लिए हम प्याज को हम स्लाइस करके, एक प्याज, और साथ में हम लेंगे एक टमाटर का, छोटा सा टमाटर को स्लाइस कर लिए है, टमाटर को भी ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे प्याज टमाटर हरा मिर्च को सबको हम चलाएंगे थोड़ा सा, और साथ में हम भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच। इनको हम अच्छे से पहले भूनते हैं, और इसी के साथ में हम लेंगे 1 मीडियम शिमला मिर्च जो हम लंबे आकार में सबको काटे हैं, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और 1 पिंच लेंगे हम काली मिर्च क्रश किया हुआ है, और सबको हम फिर से चलाएंगे। कलर अच्छा दिखे इसीलिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं 1/2 छोटा चम्मच, और हम सबको चलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल को गलने के लिए स्वाद अनुसार नमक लेंगे, तो 1 चुटकी भर नमक लिए हैं हम। एक छोटा सा लिए हैं आलू बॉईल किया हुआ, इसे हम क्रमल करके ले लेते हैं। यहाँ पे आलू को हम भूनेंगे। अच्छा सब्जी को हमको एकदम क्रंची रखना है, और यहाँ पे 200 ग्राम पनीर, पनीर काफी बच्चे लोग के फेवरेट है, तो पनीर को हम यहाँ पे क्रमल कर लेंगे इस तरह से। सारे पनीर को तोड़ के हम ले लेंगे इसी तरह से। सारे पनीर को हम क्रमल कर लिए हैं। फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को यह दिला दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और वीडियो को फुल वॉच करें, शुरू से लास्ट तक देखें, फिर आप अपने बच्चे के लिए भी इस तरह से आप बनाइएगा नाश्ता। अच्छा देखने में यहाँ पर तो कलर ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उदास लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इनको कलर लाने के लिए थोड़ी सी लेंगे एकदम हल्की सी हल्दी, यानी कि चुटकी से भी कम 1 इंच हल्दी, इनको भी साथ में भूनेंगे। अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई एक चीज के बिना हमारा वीडियो को तो पूरा होते नहीं है, वो तो क्या है आप देख सकते हैं, ये है हरा धनिया। देखिए यहाँ पे इनके बिना तो सारा सब्जी फीका, तो इनको डालना जरूरी है। अब प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनको हम 1 मिनट और भूनेंगे। अच्छा यहाँ पे हम प्याज टमाटर शिमला मिर्च सब कुछ लिए हैं। अगर घर में शिमला मिर्च नहीं है, टमाटर नहीं है, तो आपको बता दूं कि आप आलू बॉईल कर ले या पनीर रखे, और लाल मिर्च और प्याज को फ्राई करके निकाल ले, और पनीर को आप चूर करके बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टाको, जो कि काफी फेवरेट। तो टाको हम इसलिए बना रहे हैं फ्रेंड्स कि पुआ पूरी खा करके लोग बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना कुछ नया बनाया जाए ताकि होली में हम प्लेटिंग करके रखें तो हमारे फ्रेंड्स जो आए, दोस्त आए, तो टूट पड़े एकदम। यहाँ पे हम लेंगे गैस ऑफ करके, गैस ऑफ कर देंगे, और खटास के लिए नींबू का रस, चाहे तो चाट मसाला ले सकते हैं। और नींबू का रस इसलिए हम लास्ट में लिए हैं ताकि नींबू को हम अगर गर्मा गर्म में लेते हैं तो नींबू का स्वाद जो है खत्म हो जाता है, यानी कि नींबू का रस जल जाता है, तो ध्यान रहे इस बात को। और हम इनको ठंडा करते हैं। यहाँ आटा काफी रेस्ट कर लिए है, यानी कि आराम बहुत कर लिया। अब हम चॉपिंग बोर्ड पे इनको थोड़ा सा मसाज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करेंगे और छोटा छोटा पेड़ा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, इतना छोटा छोटा। अब एक पेड़ा उठाए यहाँ पे अच्छे से गोल चिकना पेड़ा कर देंगे, सभी को हम चिकना लेंगे इस तरह से। अब एक पेड़ा उठाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्टिंग, और इस तरह से हल्का सा दबा देंगे। अब गोल गोल हम रोटी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इनका थिकनेस, किनारा जो एजेस है इतना ही मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक रोटी बेल लिए हैं, यहाँ पर सारे रोटी हम बेल लिए हैं, तो रोटी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमारे सोचिए जो टाकोज बनेंगे, टाकोज कितना मस्त लगेंगे ना फ्रेंड्स। तो वीडियो को क्या करना है, फटाफट लाइक करना है। गैस ऑन करके ले लिया पैन, पैन में हम लेंगे रोटी। अब रोटी को हम सेकते हैं बारी बारी से, रोटी को हम दूसरे साइड पलट लेते हैं। अब हम रोटी को निकाल लेंगे, एकदम लाल नहीं करना है आपको,
पर सारा रोटी बन गए हैं। आप चाहे तो इस जगह पे आटा से भी रोटी बना सकते हैं, काफी हेल्दी होंगे। थोड़ा बच्चे का डिमांड था तो मैदे के बना दिए हम, तो रोटी तो भाई बन गए हैं। अब रोटी के साथ क्या करना है आगे देखिए। तो रोटी को हम एक रोटी को ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पे, और यहाँ पे आपको एक बात बता दे, आप चाहे चटपटा धनिया की चटनी लगा सकते हैं। ये हम टोमेटो केचप रोटी पे लगा रहे हैं और ये घर का बना हुआ है, शुद्ध हेल्दी। आप टोमेटो केचप का अगर वीडियो देखना है तो रसोई मीना के चैनल यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे इस तरह से हम वीडियो डाले हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टफिंग ले लेते हैं। तो स्टफिंग क्या आप बिल्कुल सेंटर में लीजिएगा, इतना हमको छोड़ देना है। इस तरह से आपको बारीकी कोई नहीं बताएगा, इतना छोड़ देना है। यहाँ पे हम लेंगे, देखिए चीज को हम ग्रेट करके रख लिए हैं, आपकी मर्जी, इस जगह पे चीज ले भी सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। और बस आहिस्ता से एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ से हम रोटी को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथ से दबा देना है। यहाँ पे सभी को हम इसी तरह से स्टफिंग करके रोटी को रख लेते हैं। यहाँ पे सभी को हम स्टफिंग कर लिए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है एक टाकोज बनने के लिए। अब चलिए देखते हैं क्या करना है। तो इसी पैन में हम फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं बटर, इस जगह पे आप घी तेल कुछ भी में इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे बटर ले लिए हैं, ध्यान रहे कि हमारा बटर न जले ताकि हमारा टाको जो है मस्त बने। तो गैस मीडियम रखना है आपको और बस सीधे हम लेंगे टाको। तो यहाँ पे एक और दो टाकोज आराम से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर उलट पुलट के सेकेंगे, लेकिन अभी एक तरफ 1 मिनट रहने देते हैं। यहाँ पर हम हल्के चम्मच से लेकर के इनको पलट लेंगे, देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आया है। इसी तरह से उलट पुलट के हम सेक लेंगे इनको। इनका जो ये किनारा है आप इस तरह से रख लें और यहाँ पे आराम से थोड़ी देर पकड़ेंगे तो ये अच्छे से लाल हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। इसी तरह से हम पका लेंगे, ऐसे भी रेडी हो गए। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इनको आराम से इस तरह से, देखिए इस तरह से ले लेते हैं, कितना आराम से पक गए हैं ना। तो बस इस तरह से सरिया लेना है। इसी तरह से सारे टाकोज हम बना लेंगे। यहाँ पे देखिए तीन तीन टाकोज हम लिए हैं, इसी तरह से दबा दबा करके हम पकाएंगे बटर दे करके। सारे टाकोज बना करके रेडी कर लिए हैं। अब प्लेटिंग देख लीजिए कि कैसे करना है इनको। तो देखिए यहाँ पर कितना मजे के टाकोज बनकर तैयार है फ्रेंड्स, है ना मजे की बात। तो आपको क्या करना है, कट करके दिखाना है, ये तो आप लोग एकदम बिल्कुल कहिएगा। तो चलिए एक टाकोज उठाते हैं हम यहाँ से और थोड़ी सी दबाते हुए इन्हें कट करेंगे, बिना दबाए तो कट होने वाले नहीं है। तो बस यहाँ पे हम कट कर लिए हैं, वाओ क्या बात है। एक हम टाकोज को खोल के दिखाते हैं, यहाँ पे चीज भी अच्छे से मैट हो गए हैं, आप देख सकते हैं एक एक स्टफिंग, वाओ क्या बात है फ्रेंड्स। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे, देखिए कितना मजा आ रहा है ना। तो चलिए अब बारी है प्लेटिंग का, वाह क्या लग रहे हैं फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना। तो देखिए इस तरह से अगर हम रखेंगे तो हमारे गेस्ट के आने के पहले हमारे बच्चे ही चटकर जाएंगे, देख रहे हैं क्या लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से होली में अगर प्लेटिंग किया जाए, वाह मजा आ गया, क्या बात है फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना। अभी हम क्या करेंगे कि इन्हें क्यों खाली जाने दे, यहाँ पे थोड़ी सी गोली बना के रख दे स्टफिंग, ताकि हमारी प्लेटिंग देखते ही लोग टूट पड़े। इसपे से रख दे थोड़ी सी चटनी, ताकि पता भी नहीं चले गेस्ट को कि क्या खा रहे हैं, उठा के खा भी लेंगे तो उन्हें पता भी चल जाएगा। और थोड़ा सा इसे केचप, ताकि इनसे आओ हमारा जो टाकोज है ना तो मजा आ जाएगा। हाँ इनके बिना तो हमारा प्लेट अधूरा है। ये हरा धनिया फ्रेंड्स, वाओ मस्त लग रहा है। हमारे बच्चे जो है ना, जो शूटिंग कर रहे हैं, उनको भी मत पूछिए, मतलब लग रहा है कि कब उठा के खा जाएंगे। तो देखिए क्या मजे की लग रहा है फ्रेंड्स एकदम, तो है ना। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको टाकोज का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो वॉच करें लास्ट से फुल तक, फुल से लास्ट तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।